कश्मीर जहां की 97% से ज्यादा की आबादी मुस्लिम है, कश्मीर जहां इस्लाम को मानने वाले बहुसंख्यक हैं, उस कश्मीर में पिछले 33 साल से मुहर्रम के जुलूस को आखिर किसने रोका हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है सोमवीर कौशिक और आज हम डेमोक्रेसी 360 में बात करेंगे उन कारणों की जिन्होंने 33 साल से कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस को निकलने नहीं दिया। कश्मीर में साल 1988 के बाद मुहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध लगा, लेकिन अगले ही साल यानी साल 1989 में मुहर्रम के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह राष्ट्रपति जियाउलहक की मौत हो गई और कश्मीर में इसका असर देखने को मिला और बिगड़ते हालातों को देखते हुए मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलने दिया गया। कश्मीर में लगातार अशांति बढ़ती जा रही थी, अलगाववाद सर उठा रहा था और 1990 में आतंकी हिंसा और अलगाववाद का दौर शुरू हो गया। जुलूस में शिया श्रद्धालुओं की बजाय आतंकी संगठन JKLF और हुर्रियत के पूर्व चेयरमैन मौलवी अब्बास अंसारी के समर्थकों की भीड़ जुलूस में बढ़ने लगी और देखते ही देखते क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा का दौर शुरू हो गया। इन हिंसक घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने कुछ कड़े कदम उठाए और मुहर्रम के जुलूस की आड़ में होने वाली अलगाववादी सियासत पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने लाल चौक और इसके साथ सटे हुए इलाकों में जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद JKLF और अब्बास अंसारी के समर्थक उत्तेजित हो गए और उत्तेजित नारों के साथ जुलूस में शामिल हो गए। इन सब घटनाओं के बाद पुलिस के साथ उनकी हिंसक झड़प भी शुरू हो गई। हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साल 1988 तक मुहर्रम का जुलूस गुरु बाजार से शुरू होकर हरी सिंह हाई स्ट्रीट, लाल चौक, बरबर शाह, नवापौर और खानयार से गुजरते हुए हसनाबाद के जमामबाड़ा में संपन्न होता था। बाद में इसका मार्ग बदलकर MA रोड होते हुए अंजुमन हैदरिया दलगेट तक सीमित कर दिया गया। इन शर्तों के साथ निकला मुहर्रम का जुलूस। किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं से जुड़े कई नियमों को तैयार किया। प्रशासन ने जुलूस की आयोजन यादगार हुसैन कमेटी के समक्ष पहले शर्तें रखी थी। इस दौरान कोई राजनीतिक या राष्ट्र विरोधी नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, जिसका असर जुलूस में देखने को भी मिला। आर्टिकल 370 खत्म होने पर निकला मुहर्रम का जुलूस। सालों बाद निकले मुहर्रम के जुलूस के तस्वीरें जब लाल चौक से देश के सामने आई, इस बात पर भी मोहर लग गई कि धारा 370 खत्म होने से कश्मीर घाटी और उसके आसपास के क्षेत्र में शांति स्थापित हो रही है। खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि आज कश्मीर में शिया भाइयों के लिए ऐतिहासिक दिन है। 30 साल बाद पारंपरिक मार्ग गुरु बाजार से दलगेट तक मुहर्रम का जुलूस निकला, क्योंकि कश्मीर में अब आतंकी हिंसा व अलगाववाद का दौर समाप्त हो चुका है। धर्म के नाम पर कश्मीर को तबाह करने में जुटी ताकतें विफल हो चुकी हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी क्लिक इंडिया के साथ। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।